को मदद करने का भी हमें मौका मिला. ये नहीं है कि आप गुजर रहे और हम नहीं गुजर रहे. ऑल ऑफ अस आर इन दिस इन अ बिग वे. ठीक है, अलग अलग असर हुए हैं लेकिन असर जरूर हुआ है. तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा गहराई से जो इमोशन जो भावना हमने महसूस की है वो डर. क्योंकि फियर हैज बीन द मोस्ट प्रेडोमिनेंट इमोशन. ठीक है, किस चीज का डर? बहुत ऑब्वियसली मौत का डर. इसके पहले कभी भी मौत को हमने इस तरह से नहीं देखा है. अपनी मौत का डर, अपने जो परिजन है, अपने नए अपने परिवार के लोग हैं, अपने दोस्त हैं. और ये पिछले दो महीने में हमने देखा है कि किस तरह से लोगों की मौत हुई है और किस तरह से धीरे 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 ये जो वायरस है वो हमारे घरों तक पहुंचा है. तो एक्सट्रीम फियर, ये एक जो भावना है वो हमने महसूस की है. मौत का डर, अपने मौत का डर, अपने परिजनों की मौत का डर, हॉस्पिटल जाने का डर. कैसे जाएंगे? जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं? दवाइयां मिलेंगे कि नहीं? हम किसी को इन्फेक्ट तो नहीं कर रहे? हम किसी से इन्फेक्शन ले तो नहीं रहे हैं? क्या मैंने मास्क बराबर पहना है कि नहीं? अच्छा, मास्क तो तब उसमें उस जगह तो मास्क निकल गया था, पता नहीं वहां पर मैंने कैसे. किस तरह के दहशत से हम गुजर रहे हैं. दूसरी जो भावना, जो इमोशन हम महसूस कर रहे हैं डर के साथ, वो है हेल्पलेसनेस. असहायता, असहायता की भावना जो है कि हेल्पलेस, क्या करें? जो दुश्मन है वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है. बच्चे बच के रहे तो किससे बच के रहे? वो दिखना तो चाहिए. सो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक बहुत ही इनविजिबल छोटे से माइक्रोस्कोपिक वायरस से पूरी दुनिया आज घर में बैठ गई है. तो एक तरह की असहायता की भावना बहुत मजबूत से हम महसूस करते हैं. अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा? आगे सबसे पहला सवाल मैं ही हमें सोचते रहती हूँ, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं तो बोला चला माफ. हाँ, एक तरह से हम उसको मजाक भी बनाते ताकि हम उसको झेल सके. ह्यूमर एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस के साथ डील करने का. तो फोन पर बात कर लेते हैं, जिंदा रहे, वायरस ने जिंदा रखा तो मिल लेंगे. बट दिस इज नॉट द वे टू थिंक. ये एक हम एक ह्यूमर एक तरीका है अपने स्ट्रेस को डील करने का. ठीक है, बहुत ही सदमा, ये तीसरा इमोशन हम महसूस करते. या तो हमने खुद हॉस्पिटल जाकर आ चुके हैं तो वहां का जो अनुभव रहा है, जिस तरह की सांस लेने में दिक्कतें हुई है वो देखकर जो एक डर और दहशत है. शायद हम में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया भी है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीफ, एक बहुत दुख और तकलीफ से हम गुजर रहे हैं. इससे ये जब ज्यादा वक्त तक ये भावनाएं रहती है, ऑटोमेटिकली एक डिप्रेशन, उदासी की जो भावना है वो घर कर जाती है. या तो एक तरफ हम बहुत उदास और डिप्रेस हो जाते हैं, या दूसरी तरफ पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स जिसको हम बोलते हैं, कि घबराहट होना, दिल धड़कते रहना. सुबह उठेंगे तो लगेगा कि दिल तेज भाग रहा है, धड़ 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 क्यों पता नहीं, लेकिन वो असर हमारे ऊपर ऑलरेडी हो चुका है. या किसी की अगर आपने कोई खबर सुन ली है, या कोई टीवी पर न्यूज देख लिया, या आपने कुछ, तो तुरंत ही आपका शरीर रिएक्ट करने लगेगा, आप डर जाएंगे, आप कांपने लगेंगे. ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे हम उसको महसूस करते हैं, वो हम उससे गुजरते हैं. ठीक है, इसका असर ये तो एक तरफ सामाजिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे बैठा जा रहा है. काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है. आगे क्या होगा? तीसरी लहर आएगी, उसमें बच्चे तो नहीं चपेटे में आ जाएंगे, फिर उसमें हम जिंदा रहेंगे या नहीं? जो मूलभूत सवाल, जो बेसिक सवाल है वो हमारे सामने आके आज खड़े हुए हैं. और उसका हम कैसे सामना करें ये किसी को नहीं पता है. ये हम सब इसको अब खुद अपने अपने तरीके से उसको झेलने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये पांच इमोशंस जो है वो हम महसूस करते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो मैंने बताया डर, दूसरा है उदासी, तीसरा है असहायता की भावना हेल्पलेसनेस, चौथा है एंजाइटी डर, एंजाइटी क्या होगा वरी फिकर, और पांचवा है गुस्सा. हमें से बहुत सारे जो ये पहली चार जो मैंने बात की ना, उदासी, डर, असहायता की भावना, क्योंकि हम ये पूरी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे, इसलिए हम
हम ये देखते हैं कि गुस्सा एंगर